Hello guys, this is Numan Habib and by profession I'm an actor. जल्दी मेरी दो फीचर फिल्म्स आ रही हैं और एक ड्रामा आ रहा है जिसमें मैं राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और दो जो मूवीज़ हैं उसमें भी आपको मैं बिल्कुल डिफरेंट दिखूँगा। अभी मेरी चंद्र से पहले जो है ज़ारा जो दूसरी बेटी है वो पैदा हुई है। आपको पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों के जो है काम नहीं था लोगों के पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ज़ारा तो मेरा रिस्क खुल गया और मेरे मुझे काम मिलना शुरू हो गया। ये पहली चीज़ें मैं सुनता था जब आयशा हुई थी, उस दौरान भी जो है काम थोड़ा सा नहीं हो पा रहे थे और कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी। कभी कभी जो है मुझे कॉल आती थी एक करेक्टर है और उसके बाद जो है वो मना कर देते थे, लेकिन जब आयशा हुई तो उसके बाद भी मेरा जो है काम में फ़र्क आना शुरू हुआ। तो ये लोग कहते थे कि जब बच्चियां पैदा होती हैं तो आपके रिस्क पे फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी और महसूस। जब पहली मेरी बेटी पैदा हुई मुझे पता नहीं था बच्चे किस तरह पालते हैं, तो मेरी जो आयशा साहबजादी जो हैं उन्होंने रात भर जो मुझे जगा जगा के मुझे और मेरी वाइफ को जगाना जो शुरू किया, तो पता चला सुबह के थके हुए अब रात को सोने बैठ रहे हैं, शूटिंग से आए हुए और अब थके हुए सोने बैठ रहे हैं, तो आयशा वैं 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 थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती थी। तो वो एक्सपीरियंस नहीं था, तो रात भर जो है नींद पूरी नहीं होती थी, फिर सुबह जाते थे अपने काम पे, तो वो बड़ा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। लेकिन अब ये दोबारा आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये मेरी सेकंड वाली जो ज़ारा है उसके साथ शुरू हो गया। रात भर जगाती है, सुबह मजे से सोती है हम, और हम जो है सुबह जागते हैं। मेरे ख्याल से लॉबी बुरी चीज़ नहीं है और ज़रूरी नहीं कि आप लॉबी का हिस्सा बने। देखिए लॉबी होती क्या है, जैसे पॉलिटिक्स है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, इसी तरह लॉबी क्या चीज़ है। कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो होता है उसकी प्रोड्यूसर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, उसके पास एक डायरेक्टर होता है, चंद कास्ट होती है, वो देखता है कि उसको किसने तकलीफ नहीं दी, तो उसके वो फेवरेटिज्म में आ जाते हैं कि ये एक्टर फेवरेट है, डायरेक्टर फेवरेट है, ये राइटर फेवरेट है, तो उनमें से जो है वो अगले प्रोजेक्ट में भी चाहता है कि वो साथ ही हो। ज़िंदगी में चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। उनमें से जब मैं इस फील्ड में नया आया तो डायरेक्टर्स में से मोहसिन तलक थे, एक्टर में फ़ाइक खान थे, उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने मुझे बहुत ग्रूम किया, उसके बाद जो है एक्टिंग की जहाँ तक बात आती है, जहाँ पर मुझे ग्रूमिंग चाहिए थी और एक्टिंग और के बारे में समझना था, तो फैसल कुरैशी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। जो क्रिकेट टीम मैंने बनाई है उसका नाम है कराची लाइन्स। कराची लाइन्स एक ऐसी टीम है, हम दोस्त बैठे हुए थे बचपन के दोस्त, स्कूल फेलोज, ईद का दिन था, लॉकडाउन था, छत पे बारबेक्यू कर रहे थे SOPs का ख्याल रखते हुए, तो उस दौरान एक दोस्त ने बोला, बचपन के दोस्त ने, यार क्या मज़ा आता था बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा मैं पाकिस्तान शुरू से क्रिकेट खेलता रहा, तो मैंने कहा कि वाह बात तो सही है, मैंने चलो एक क्रिकेट टीम बनाते हैं। क्रिकेट टीम का इस्तेमाल किया, शुरू किया, स्टार्ट लिया, शोबिस के लोगों, मैंने सोचा कि यार ये क्रिकेट तो एक बचपन में भी खेलते थे, क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ ऐसी कराता हूँ अपने दोस्तों को जो मैं इन्जॉय करता हूँ, जो मैंने लाइफ में इन्जॉय किया। तो मैंने क्या किया कि अपने शोबिस की जो है लोगों से बात की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो लोग आए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने अपने बचपन के दोस्तों को वो चीज़ें इन्जॉय कराई जैसे मैं करता था, मैं करता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलता हूँ और शोबिस के लोगों के साथ खेलता हूँ, वो चीज़ जो शायद वो लोग इस ट्रैक में कभी ना आ सके, इस वे ना जा सकते थे, तो वो मैंने मेरे लिए खुशी थी कि मेरे लिए एक टारगेट था कि मैं अपने दोस्तों को वो इन्जॉय करा सकूँ। दोस्तों ने बहुत कुछ किया होगा, लोगों को बहुत पैसे दिए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोस्तों के लिए ऐसा कुछ काम करूँ जो ज़िंदगी भर वो याद रखे, और अल्लाह के हुक्म से वो मेरी जो है ख्वाहिश पूरी हुई। बड़े बड़े नाम है, डॉक्टर जुनेद शाह हैं जो है, सऊद भाई हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेटर में फवाद आलम है, खुर्रम मंजूर हैं, सुहेल खान हैं, और जो अगर एक्टर्स में देखते हैं जिब्रान भाई हैं, और बहुत सारे एक्टर्स, और इवन मेरे बचपन के दोस्त जो मेरे हमेशा से साथी रहे वो भी हैं।
दिस इज़ ज़ारा, मेरी छोटी बेटी। और जब उसको पता चला कि डैडी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ से मुझे आवाज़ें देने लग गई। और ये वही है जो रात भर मुझे जो है जगाती है और उठा के रखती है मुझे और अपनी मामा को। और अभी बड़े मज़े से सोती हैं, हम जब सुबह काम करते हैं तब सोती हैं, जब रात को हम सोते हैं फिर जागती हैं जी। बाय बाय।